इससे पहले कि मैं ये इंडिकेट करूं कि नॉन स्टेशनरी सीरीज और स्टेशनरी सीरीज की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मैं आपको यहां पे थोड़ा सा ये बताने जा रहा हूं कि हाउ कैन वी हैव एन आइडिया वेदर सीरीज इज स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी, जिसमें हमने कहा कि मीन कॉन्स्टेंट हो, वेरियंस कॉन्स्टेंट हो और कोवेरियंस टाइम इंडिपेंडेंट हो। तो अब यहां पे मैं आपके सामने एक डेटा जो आपको प्रोवाइड किया गया है थ्रू ईमेल एंड व्हाट्सएप मैसेजेस, वो है ये ई एक्स ई वाई एक्स टी इक्वल टू एक्स टी माइनस वन प्लस ई एक्स वाई टी इज इक्वल टू वाई टी माइनस वन प्लस ई वाई, और जो आपको ए पार्ट बी पार्ट सी डी एंड ई जो है यू आर रिक्वायर्ड टू डू एट योर ओन, लेकिन मैं उसके बारे में थोड़ी सी आपको बता भी देता हूं। तो बिफोर आई गो फॉर दिस कि जी ई एक्स ई वाई क्या है, आई वुड लाइक टू शो यू कि ये ई एक्स और ई वाई कैसे जनरेट हुए हैं। तो यहां पे मेरे कुछ कॉलम्स हैं जो आपको यहां पे नजर नहीं आ रहे थे, अब वो आना नजर शुरू हो गया। तो यहां पे देखिए, यहां पे मैंने एक कमांड यूज कर रहा हूं नॉर्म इनवर्स, यानी कि ये जी वैल्यू फाइंड आउट करेगी फॉर एनी प्रोबेबिलिटी बिटवीन जीरो एंड वन। तो ये जब मैंने इसको ये रेंडम नंबर्स ड्रॉ किए तो ये बेसिकली व्हाइट नॉइस है, क्योंकि इसका मीन जीरो था, स्टैंडर्ड डेविएशन वन थी और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से था, और इसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो इट विल लुक लाइक कि जी ये प्योरली जो है एक जो है वो सीरीज है जिसका मीन स्टेशनरी है और वेरियंस भी स्टेशनरी है। तो आप देखिए, तो यहां पे आपको एक चीज नजर आ रही है कि अगर यहां पे इसका मैं मीन लूं किसी भी इंटरवल में, फॉर एग्जांपल यहां से 1 से लेके 20 30 वैल्यूज तक का मीन लूं तो ये अराउंड जीरो बनता है, जबकि यहां पे इसका भी लूं तो इट्स अराउंड जीरो, यहां पे इस रेंज में इस मीन को लूं तो इट्स अराउंड जीरो, यहां पे भी लूं तो इट्स अराउंड जीरो। मैं इसको एक दफा और कर देता हूं आपके सामने, यानी कि मैं यहां पे कोई भी कमांड एंटर करूंगा तो इमीडिएटली ये जो है मेरे पास ये सारा डेटा चेंज हो जाएगा। ये देखिएगा, ये डेटा आपके पास, ये देखिए ये आपके पास चेंज हो रहा है। इसको मैं दोबारा से कर दूं आपके सामने तो ये देखिए एकदम से फिर ये डेटा आपका चेंज हो गया। तो हर एक केस में ये मीन जीरो और स्टैंडर्ड डेविएशन वन है। तो ये मैंने जनरेट किए ई एक्स, सिमिलरली ये मैंने जनरेट किए ई वाई। तो अब देखिए ई वाई भी एग्जैक्टली उसी तरह से जनरेट हुए हैं जैसे आपके पास जो है वो ई एक्स और ई वाई जनरेट हुए थे। अगर यहां पे मैं इसको एफ टू प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास फार्मूला आ जाएगा। तो ये आपके पास ई एक्स और ई वाई इंडिपेंडेंटली जनरेट हो गए। इनको अगर मैं प्लॉट कर दूं दोनों को तो ये बेसिकली ये अगर मैं प्लॉट कर दूं तो ये मेरे पास जो है वो आर एन एन वन, तो ये मेरे पास देखिए दोनों सीरीज मोरल है सिमिलर हैं और दोनों सीरीज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं। अब हमने ये किया कि एक्स टी जनरेट किया, एक्स टी की इनिशियल वैल्यू यानी कि एक्स वन किसके इक्वल है, एक्स नॉट प्लस ई एक्स। तो एक्स नॉट हमने पहली इनिशियल वैल्यू अस्यूम की जीरो, और ये वैल्यू जो हम अस्यूम कर रहे हैं ये हम वैल्यू अस्यूम कर रहे हैं एल टू प्लस जे। तो इसका क्या मतलब है, ये वाइट एक्स टी माइनस वन हो गया प्लस ये एरर हो गया, ये ई एक्स से आया है। आप इससे अगले सेल में देखेंगे तो ये आपके पास जो है वो क्या होगा एल थ्री, यानी कि ये एक्स टी माइनस वन है प्लस ये उसमें एरर है। तो इस तो को मैंने यहां पे ड्रैग करता हूं, जब एंग्री रैबिट बन जाता है ये वाला, तो ये आपके पास पूरी सीरीज जनरेट हो जाती है। तो अब देखिए एक्स टी किससे जनरेट हुआ है, ई एक्स से। ई एक्स और ई वाई क्या है, इंडिपेंडेंट है। नो वी गो फॉर सेम केस विद वाई, वाई को हमने किससे जनरेट किया है, तो इफ यू लुक हियर तो ये देखिए वाई नॉट, ये पहले पिछले लेग वैल्यू प्लस ये उसमें ई एक्स एड कर दिया। इससे नेक्स्ट वैल्यू पे अगर हम देखें तो व्हाट इज दिस, तो आप देखिए ये लेग वैल्यू यानी कि ये आपके पास सेल एम फोर है, तो एम फोर किसके इक्वल है, एम थ्री जो कि लेग वैल्यू है एम फोर का, लेग क्या बनेगा एम थ्री, तो वाई टी का वाई टी माइनस वन प्लस ई ई वाई। तो अब देखिए कि ये सीरीज मैंने एक्स टी ई एक्स से जनरेट की, वाई टी माइनस वन से जनरेट की, ई वाई से जनरेट की, और ये दोनों इंडिपेंडेंट है। अब ये डेटा बार बार चेंज हो रहा है तो इस डेटा को फिक्स करने के लिए मैंने यहां पे जो है ना वो कर दिया कि जी
मैंने यहां पे ये डेटा को स्पेस स्पेशल कर दिया, तो अब मैं यहां पे इस डेटा को अगेन वापस ले आता हूं, जो डेटा मैंने आपको ईमेल में प्रोवाइड किया है। तो ये देखिए, ये मेरे पास जो डेटा है वो ई एक्स और ई वाई, ये डेटा चेंज नहीं हो रहा जो कि पिछले वाला डेटा चेंज हो रहा था। अब आपके पास अगर आप ई एक्स को ई वाई पे रिग्रेस करेंगे तो बेसिकली यू विल नॉट गेट एनी जो है वो सिग्निफिकेंट कोएफिशिएंट, कि अगर आपके पास जो है वो ई एक्स को ई वाई पे रिग्रेस करेंगे तो यू विल नॉट गेट कि जी आपका कॉन्स्टेंट या स्लोप जो है वो सिग्निफिकेंट आए। और यही बात हमने यहां पे आपको बी पार्ट में कही है कि ये आपने फाइंड आउट करनी है। बट इंटरेस्टिंग, दैट्स वाई टाइम सीरीज डेटा नीड स्पेशल ट्रीटमेंट, कि अगर ये एक्स टी और वाई टी को आप एक दूसरे पर रिग्रेस करें तो देर मे बी अ केस कि एक्स टी और वाई टी आपस में हालांकि बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं, बट इट मे बी द केस कि आपको सिग्निफिकेंट बीटा कोएफिशिएंट मिले। यानी कि ये मेरे पास इंटरसेप्ट और स्लोप कोएफिशिएंट्स में अगर यहां पे करूं तो यहां पे ये आप ईव्यूज में, स्टेटा में, आर में, किसी में भी कर सकते हैं। मैं इस वक्त फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस एक्स को वाई पे रिग्रेस कर रहा हूं, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ओके, और ये जब भी फार्मूला रे में देते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं तो ये आप देखिए, तो ये अच्छा सॉरी, यहां पे मुझे इस फार्मूला में कॉमा ट्रू तो बाकी स्टेटिस्टिक्स भी चाहिए थी। तो अब आप देखेंगे तो ये देखिए, ये स्लोप कोएफिशिएंट आया 0.90 और उसका स्टैंडर्ड एरर आया है 0.19। तो इट मींस कि अगर आपके पास 0.90 माइनस बीटा वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, तो टी स्टेटिस्टिक्स कम्स आउट टू बी 4.55। तो दिस शोज कि एक्स टी जो है वाई टी से हाईली एक्सप्लेन होता है, तो वाई टी इज अ प्रिडिक्टर ऑफ एक्स टी। तो ये तो बात सही नहीं थी क्योंकि हमने देखा कि ई एक्स और ई वाई जो है वो इंडिपेंडेंट है और एक्स ई एक्स से जनरेट होता है, वाई जो है ई वाई से जनरेट होता है। तो दिस मेक्स बेसिकली टाइम सीरीज स्पेशल देन क्रॉस सेक्शनल डेटा। बेसिकली ये दोनों ओवर टाइम मूव हो सकते हैं लेकिन इनके दरमियान एक, दिस इज कॉल्ड स्पोरियस रिग्रेशन, कि उनके दरमियान एक रिलेशनशिप नहीं था बट आपकी ओवर टाइम दोनों सीरीज जो है वो उनका नॉन स्टेशनरी बिहेवियर था। लुक हियर दीज टू, ये नॉन स्टेशनरी होती है, मैंने शायद आपको नॉन स्टेशनरी की एग्जाम्पल नहीं दी। तो लुक हियर कि अगर ये ब्लू लाइन का मीन यहां पे देखो, पहले टाइम पीरियड में तो 5 आए, शायद इस रेंज में देखो तो ये देखिए 15 के करीब आ रहा है, इस रेंज में देखो तो ये 25 है, इस रेंज में देखो तो इट मींस मीन इज चेंजिंग ओवर टाइम, मीन इज चेंजिंग ओवर टाइम। सेम इज द केस, मीन इज चेंजिंग ओवर टाइम, दीज टू सीरीज मूव इंडिपेंडेंटली बट व्हेन यू रिग्रेस वन ऑन दी अदर यू गेट सिग्निफिकेंट कोएफिशिएंट्स एंड यू मे कंक्लूड कि जी आपके पास जो है वो एक वेरिएबल जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट कॉज कर रही है। हालांकि दैट मे बी द केस बट this is basically spurious regression until and unless we do a proper analysis. That's why time series data needs special treatment. अब यहां पे हम देखते हैं residuals. तो आपके पास residuals क्या हैं? Residuals हैं मेरे पास, ये intercept हो गया, oops, ये मुझे fix करना है, इंटरसेप्ट से पहले भी डॉलर साइन लगाना है, बाद में भी डॉलर साइन लगाना है। तो एक इसकी शॉर्टकट की है जो एट द मोमेंट आई एम मिसिंग, ओ डॉलर 3। तो ये देखिए इंटरसेप्ट आ गया प्लस डॉलर एन डॉलर 3, तो ये स्लोप आ गया टाइम्स, ये मेरे पास मैंने एक्स को वाई पे रिग्रेस किया था टाइम्स, तो ये तो फिटेड वैल्यूज आ गई। और अगर इन फिटेड वैल्यूज को डिपेंडेंट वेरिएबल से माइनस कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, रेजिजुअल्स। तो अगर आप इसको देखें तो ये थोड़ा सा आपको शायद विजिबिलिटी, ये देखिए, तो मैं इसको थोड़ा सा इसको कर देता हूं, ओके, तो इफ यू लुक हियर तो ये के टू माइनस ओ थ्री प्लस एन थ्री टाइम्स एल टू, तो ये मेरे पास रेजिजुअल्स आ गए। लेट्स प्लॉट दीज रेजिजुअल्स, तो ये देखिए जब मैं इन रेजिजुअल्स को प्लॉट करता हूं
तो ये मेरे पास जो है रेजिजुअल्स जो है, हालांकि इनको बिहेव करना था जैसे अभी मैंने आपके सामने ई एक्स और ई वाई दिखाए थे कि वो ऐसे फ्लक्चुएट करती हैं, ऐसे 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 फ्लक्चुएट करती, क्योंकि रेजिजुअल्स को रैंडम होना चाहिए, बट यहां तो रेजिजुअल्स बड़ा सीरियस एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो दिस शोज के रेजिजुअल्स आपके इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन पहले भी मैं बता चुका हूं, इफ यू कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर फ्रॉम द पास्ट देन सीरीज इज डिपेंडेंट, इफ यू कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर फ्रॉम द पास्ट सीरीज इज इंडिपेंडेंट। इन दिस केस वी कैन प्रिडिक्ट, बट इफ आई आस्क यू कि जी ये आप जो है वो इसको आप प्रिडिक्ट करें, तो ये देखिए यहां पे आपके लिए प्रिडिक्शन कुछ यहां पे देखिए प्योरली रेंडमली मूव कर रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी पांच ऊपर कभी दो नीचे, सो दिस इज हाउ यू कैन रेजिजुअल्स का बिहेवियर ये वाला होता है। सो दैट्स वाई वी से कि ये आपके पास जो रेजिजुअल्स हैं, ये जो हमने कैलकुलेट किए हैं अभी इस डेटा से, दीज आर रेजिजुअल्स, तो ये रेजिजुअल्स जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड स्पोरियस रिग्रेशन। तो प्लीज ये देखिए रिग्रेस y आने कॉन्स्टेंट एंड x, मैंने x को किया है, आप जरा उसको कीजिएगा। लेट et बी द रेजिजुअल्स ऑफ द रिग्रेशन ऑफ पार्ट d, तो ये आप जब इसको आप करेंगे तो ये आपके पास जो है वो रिजल्ट्स आपको सारे ये पूरे की पूरी डिस्क्रिप्शन यहां पे गिवन है, जो मैंने अपलोड कर दिया आपके लिए मैं व्हाट्सएप के थ्रू भी और ईमेल के थ्रू भी। प्लीज डू दिस एक्सरसाइज, मैं इससे अगले वाले लेक्चर को आई होप टू डिलीवर इन डे आर टू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।